आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना की जानकारी देंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने समग्र विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। इसी के अंतर्गत बेटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 8 फरवरी 2019 में कन्या सुमंगला योजना को आरंभ करने का सरकार द्वारा फैसला लिया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह होने तक के समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ 23 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। प्रदेश की इन सभी बालिकाओं को, बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। ये योजना इन सब के लिए सुमंगला साबित हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। वह घर के लिए बोझ ना हो और बड़ी होकर के वह अपना भविष्य स्वयं बना सके। इस योजना का कुल बजट 1200 करोड़ रुपए है। कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पैदा होने वाली सभी लड़कियों के नाम से एक बैंक खाता खोलेगी। फिर यह नियमित अंतराल पर एक राशि जमा करेगा। यदि आप योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज की आवश्यकता आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए यूपी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लाभार्थियों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मेथड के माध्यम से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटियों को उम्र की विभिन्न चरणों में जब जब आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है तब तब राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस तरह सरकार ने 6 चरण जन्म से लेकर उसकी शादी तक निश्चित किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जन्म से लेकर बेटी की शादी तक निम्न चरणों में आर्थिक मदद देगी। सबसे पहले बच्ची के जन्म के समय एक निश्चित राशि दी जाएगी। टीकाकरण के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। पहली कक्षा में प्रवेश के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। 6वीं में प्रवेश के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। 9वीं में प्रवेश के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। स्नातक प्रवेश के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही शादी के समय आर्थिक मदद दी जाएगी। यूपी सुमंगला योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार से है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बेटी को कक्षा 6 में 3000 रुपए दिए जाएंगे। जब बेटी कक्षा 8 में पहुंचेगी तो उसे 5000 रुपए मिलेंगे। बेटी जब कक्षा 10 में पहुंचेगी तो उसे सरकार 7000 रुपए देगी। बेटी जब कक्षा 12 में पहुंचेगी तो उसे 8000 रुपए सरकार द्वारा मिलेंगे। यूपी कन्या सुमंगला स्कीम के तहत बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो उस समय बेटी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यान दें, इन चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार लड़की के नाम पर पैसा उसके बैंक अकाउंट में ही जमा करेगी। अंत में 18 साल के बाद ग्रेजुएशन हो जाने पर शादी के समय यह राशि लड़की को दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक पात्रता। इस योजना की लाभार्थी केवल बालिका होगी। बालिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। बालिका के पास जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में दोनों जुड़वा बच्चों को इसका समान लाभ प्राप्त होगा। कन्या सुमंगला योजना के लिए जरूरी कागजात आप ये भी जान लें। मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो, अभिभावक पहचान पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र। यूपी कन्या सुमंगला योजना 2019 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी आप भर सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब आपको इन दोनों यानी आवेदन फॉर्म व शपथ पत्र को ध्यान से भरना है और फिर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके इस फॉर्म को खंड विकास अधिकारी, SGM, जिला परिवीक्षा अधिकारी, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।